ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद भी सालों पुराना है। विवाद शुरू होता है 15वीं सदी से, जब औरंगजेब का शासन था, और विवाद जारी रहता है 15वीं से 21वीं सदी तक। राजा के शासन से लोकतंत्र की दस्तक के विवाद न्याय का इंतजार कर रहा है, उस फैसले का इंतजार कर रहा है जो बताए कि आखिर ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शामिल काशी अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है, और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ही इस शहर का रस हमेशा बना रहता है। शायद इसीलिए इसे बनारस कहते हैं। लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान है, उसके बिल्कुल पास उसी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद भी मौजूद है। अयोध्या का विवाद सुलझने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि कोर्ट से काशी का समाधान भी निकलेगा। छाछनामा से लेकर औरंगजेब के वक्त तक जो इतिहास उन्हीं के द्वारा लिखवाए गए अपने दरबारी इतिहासकारों से, उन सब ने दिया है कि कब कौन सा मंदिर तोड़ा, कितना बड़ा मंदिर था, कितने लोगों को हमने गुलाम बनाया, कितनी औरतें और बच्चे बेचे। तो ये आप किस तरह से झुटला सकते हैं? ये तो पूरा इतिहास है और सब इसके बारे में जानते हैं। अलीगढ़ से अतर अब्बास रिजवी ने 10 वॉल्यूम में ट्रांसलेशन दिया है इन सब इतिहासों का, जो कि लिखे गए थे, और विद्वानों को सब पता है। लेकिन ये विवाद आखिर है क्या? वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को समझने के लिए पहले पूरे परिसर को एक बार गौर से देखिए। दोनों पक्षों के दावे कितने सही हैं? क्या वाकई औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी? बीकानेर में वो सारे फरमान जो औरंगजेब ने 25 साल के दौरान अलग अलग स्थानों में भारत के मंदिरों को तोड़ने के लिए जारी किए थे, अब मासिरे क्या कहते हैं उसका एक ग्रंथ है जो कि मासिरे आलमगीर, उसमें फरमान है, उस फरमान के हिसाब से ये मंदिर तोड़ा गया है अगस्त 1669 में। इसका पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में फरमान हमको मिल रहा है, तो फिर इसमें क्या संशय है? देखिए, ये तो बहुत से मौलवियों ने और अशराफ मुसलमानों ने, एनलाइटेंड जो अपने आप को कहते हैं, वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनका ये पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डिनायल प्रोसेस है कि हमने ऐसा किया ही नहीं। लेकिन इतिहासकारों और जानकारों के बीच ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अलग अलग मत और दावे हैं। सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि इस मस्जिद का निर्माण सन 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया। ये भी कहा जाता है कि इस मस्जिद के बनने से पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, और औरंगजेब ने वो मंदिर ध्वस्त कर उसके अवशेषों का इस्तेमाल कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। वही कुछ लोगों का कहना है कि इस ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मुगल शहंशाह अकबर के जमाने में, यानी 1585 में हुआ। अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक मजहब की शुरुआत की थी, और ये मस्जिद उसी धर्म के तहत बनवाई गई थी। मंदिर के संबंध में दावा ये भी है कि यहाँ प्राचीन काल से भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये मामला पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अदालत में चल रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका के मुताबिक अंग्रेजों ने साल 1928 में पूरे मामले का अध्ययन कर ये जमीन हिंदुओं को सौंप दी थी।
इस आधार पर ये पक्ष ज्ञानवापी परिसर पर अपना हक मांग रहा है। साल 1991 में सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे ने वादी के तौर पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभु भगवान विश्वेश्वर की ओर से अदालत में मुकदमा दायर किया। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1991 से अदालत में है, लेकिन माँ श्रृंगार गौरी का मामला महज 7 से 8 महीने पुराना है। 18 अगस्त 2021 में वाराणसी की एक अदालत में यहाँ की 5 महिलाओं ने माँ श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की। इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया। इसी कड़ी में कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा। किन्हीं कारणों से 2 बार ये वीडियोग्राफी नहीं करवाई जा सकी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। इस याचिका के जरिए ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मस्जिद कमेटी ने पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। हालांकि स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले के बाद 2019 में वाराणसी की कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई। वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र में दावा किया गया कि यहां विश्वनाथ मंदिर कभी था ही नहीं और बादशाह औरंगजेब ने कभी मंदिर को तोड़ा ही नहीं, जबकि मस्जिद अनंत काल से कायम है। अभी मुस्लिम समुदाय ज्ञानवापी मस्जिद में रोजाना 5 वक्त सामूहिक तौर पर नमाज अदा करता है। मस्जिद का संचालन अंजुमन इंतजामिया कमेटी करती है। हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली कराकर इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और उन्हें श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत भी दी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां मस्जिद है उसके अंदर ही गौरी गणेश के साथ कई देवी देवताओं के विग्रह मौजूद हैं, जिनकी पूजा की इजाजत की मांग पर ही कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद दोनों जगह के सर्वे की इजाजत दी। अब समझिए आखिर सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। श्रृंगार गौरी विवाद में नया मोड़ तब आया जब 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर करके कोर्ट से श्रृंगार गौरी मंदिर में गौरी गणेश सहित दूसरे देवी देवताओं के रोज पूजा करने की इजाजत मांगी। अभी साल में एक बार ही गौरी गणेश की पूजा की इजाजत है। कोर्ट से इजाजत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ही मौजूद है और मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। इस साल अप्रैल में ही स्थानीय अदालत ने एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की थी, साथ ही 10 मई तक पूरे परिसर की वीडियोग्राफी करवाने और सर्वे रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। अब दोनों पक्षों को उम्मीद है कि जब भी कोर्ट का फैसला आएगा उनके हक में ही आएगा। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।